सोचने का। तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने ही बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट लाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गलत न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए। मैंने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से ज़्यादा हम लोग से सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए दिलीप जायसवाल, पहले आप इनका बयान सुने। बोल करके गलत न्यूज नहीं लेना चाहिए कि 225 बोले हैं, 230 बोले हैं, किसी ने नहीं कहा है। मैंने कहा है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमें सीट 2025 में आएगा। सर, राहुल गांधी ने चक्रव्यूह से ही पूछिए उन्होंने क्या कहा है। ये राहुल गांधी अपना जवाब अपने देंगे सोचने का। तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया है। सर, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सर, करने दीजिए, उससे हम लोग को क्या मुँह। संजय सिंह ने यह भी कहा है सर कि MCD पिछले 15 सालों से जो है वो भाजपा के पास थी, जिस वजह से ये घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली है। सर, देखिए, घटना का मतलब ये होता है कि किसी तरह का अप्रत्याशित बात हो जाए, घटना पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि गलत खबर नहीं फैलाना चाहिए। मैंने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से ज़्यादा से सरकार बनाएंगे। और जब पत्रकारों ने सवाल किया कि राहुल गांधी चक्रव्यूह वाली बयान जो दिए थे संसद में उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अभी भारत के बारे में राहुल गांधी को बहुत सीखना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा, बहुत कुछ जानना होगा, क्योंकि वो भारत के बारे में नहीं जानते हैं। इसी के साथ दिल्ली में जो घटना हुई उस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई अप्रत्याशित घटना है, इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब पत्रकारों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रही है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन होते रहने दीजिए, ये होते रहता है और इससे क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।